hi everyone welcome back to our youtube channel studyband सो गाइज लास्ट लेक्चर में हमने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाले टॉपिक को कम्प्लीट करा एंड आई होप नाउ कि अब आप आपको वो अच्छे से क्लियर है और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा और इफ़ समन इज न्यू टू द चैनल देन आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और जो न्यू है चैनल पर देन वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरे आने वाले लेक्चर्स के साथ अपडेटेड रहें ओके okay? सो so, आज हम क्या करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज सोशल ऑडिट एंड सोशल अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये सोशल ऑडिट या सोशल अकाउंटिंग का क्या पर्पज है ठीक है बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट ड्रॉज दी इनपुट्स फ्रॉम दी सोसाइटी एज वेल क्या मतलब हुआ कि बिजनेस एक सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी है सोशो का यहाँ पे क्या मतलब हो गया सोशल और इकोनॉमिक से मतलब हुआ यहाँ पे इकनॉमिकल अब बिजनेस एक कह रहे हैं कि सोशल एक्टिविटी भी है और इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी है इकनॉमिकल कैसे हुई क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव क्या रहता है कि वो क्या अर्न करे प्रॉफिट अर्न करे वो बात अलग रही है एनजी वगैरह की बट ऐसे मेजरली देखा जाए तो बिजनेस किसी ने भी करना है तो क्यों करेगा कोई ताकि वो कुछ अर्न करे और सोशल हुआ कि एज यू ऑल नो मैन इज अ सोशल एनिमल तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सोसाइटी से अलग रहेगा ठीक है थीके? तो बिजनेस एग्जिस्ट इन दोसाइटी उसका भी एक अपना एन्वायरमेंट है उसको भी सोसाइटी में रहना है. एंड इट ड्रॉज दी इनपुट फ्रॉम दोसाइटी एज वेल अब बिजनेस सोसाइटी में रहता है सोशल है तो वो क्या करता है इनपुट्स लेता है अपने सोसाइटी से भी लेता है इनपुट्स इन देंस कि बिजनेस चलाने के लिए उसको सोसाइटी की भी जरूरत है लाइक like उनको मैन पावर चाहिए मैन पावर कहाँ से आएगी लेबर कहाँ से आएगी सोसाइटी से आएगी वो लोग आएंगे उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे देन ही बिजनेस काम कर पाएगा अब लोगों की सपोर्ट तो चाहिए सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए बिजनेस को उनके कस्टमर्स की सपोर्ट चाहिए तब ही बिजनेस आगे फ्यूचर में ग्रो कर पाए

कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या वी कैन से जो भी सोशल प्रॉब्लम्स चल रही है उसको टैकल कर पाए और कोशिश करें उनकी हेल्प करें उसको सॉल्व करने में उनकी जितनी पॉसिबल हो सके हेल्प करें ठीक है द कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग हैज़ ड्यू टू दी हाई लेवल इंडस्ट्रियलाइजेशन विच हैज्रॉड प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज मैनी प्रॉब्लम्स टू दी सोसाइटी अब कह रहे हैं कि ये जो सोशल अकाउंटिंग का कांसेप्ट एक तरह से कैसे इमर्ज हुआ ड्यू टू दी हाई लेवल इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप होगी गई उससे क्या होगा पोल्यूशन होगा ट्रीज की कटिंग होगी तो समहाउ उससे हो क्या रहा है सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी देन पोल्यूशन की बात करें तो हेल्थ खराब होगी हेल्थ इश्यूज हो, हो जाएंगे पीपल को मीनस बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ड्यू टू दिस हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बट सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं है वो कह रहे हैं इसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी भी आई सोसाइटी इससे डेवलप भी हुई इंडस्ट्रीज ने कितने कुछ स्टेबलिश करा है इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है और जो काम करते होंगे इंडस्ट्रीज में उन लोगों को कई सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं इंसेंटिव भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हाई लेवल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से प्रॉस्पेरिटी भी आई है सोसाइटी में और प्रॉब्लम्स भी आई हैं तो इसीलिए सोशल अकाउंटिंग मैंडेटरी हो जाता है अब सोशल अकाउंटिंग क्या है पहले आप ये सुने लाइक like, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे पहले हमने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट दी कॉस्ट अकाउंटिंग अगर बात की जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसमें था क्या हम बिजनेस का क्या चेक करते थे कि बिजनेस कहाँ पर स्टैंड करता है उसने प्रॉफिट अर्न करा या लॉस अर्न करा वहां पर बिजनेस की ट्रांजेक्शंस डीलिंग सेल परचेज के रिलेटेड होती थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट यहां पे की जगह टर्म आ गई सोशल अकाउंटिंग मतलब क्या होगा दैट विल रिलेटेड टू दी सोसाइटी जो सोसाइटी की तरफ चीजें बिजनेस ने करी हैं उसके अकाउंटिंग करने को हम बोल देंगे सोशल अकाउंटिंग ओके okay? बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट आप एक बार थोड़ा से बेस बना ले माइंड में कि जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते थे फाइनेंस के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वगैरह को रिकॉर्ड करना बट यहाँ पे सोशल अकाउंटिंग है कि जो सोसाइटी के साथ बिजनेस की डीलिंग हुई है उसके रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है दैट विल बी रिकॉर्डेड ओके देअर फोर टू नल्लीफाई द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वही बात कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की, की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई हैं तो इसीलिए उसके एडवर्स इफेक्ट एडवर्स हुआ मतलब बहुत बुरा इफेक्ट पड़ना उसको नलिफाई करने के लिए मीन्स नील जीरो करने के लिए खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए बिजनेस को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी तो एक तरह से थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया कि जिसे पता लगे कि सोशल अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए ओके okay, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द मीनिंग ऑफ सोशल अकाउंटिंग सोशल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग टू दी स्टेक होल्डर्स अबाउट सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस सोशल अकाउंटिंग क्या है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं एक तरह से मेजर कर रहे हैं मॉनिटर कर रहे हैं और आगे फर्दर अपने जो भी हमारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होंगे बिजनेस में काम करने वाले स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं सारे यूजर्स तो उनको हम रिपोर्ट करें आगे बताएं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्शन रही हमारे बिजनेस ने जो भी करा उसकी वजह से सोसाइटी पे एनवायरमेंट पे उसका क्या इफेक्ट लाइक like, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की अभी आपको बताया, हुआ, से पे है, ये सब हमने सोसाइटी तो की बात करनी है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस को जो भी हमने बिजनेस में काम करा है उसकी वजह से सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा तो सोसाइटी के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी बी डन इन दी सोशल अकाउंटिंग क्लियर है यहां तक देन इन दिस प्रोसेस ऑफ सोशल अकाउंटिंग वेरियस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू सोसाइटी एंड आर देन रिकॉर्डेड इस सोशल अकाउंटिंग के प्रोसेस के थ्रू कई सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी सोसाइटी को किसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो भी उनको चाहिए होंगी और फिर बाद में उसको क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे और इसी रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग ठीक है हमने सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स दिए हमें उसकी क्या कॉस्ट पड़ी उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिला ये सब रिकॉर्डिंग करना इज सोशल अकाउंटिंग आई होप यहां तक आपको क्लियर है देन इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग दिस इज इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे आपको पूछ सकते हैं कि सोशल अकाउंटिंग का दूसरा नाम क्या है देन दे कैन आस्क्यू आपको ऑप्शन दे देंगे वहां पर अगर ये लिखा होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तो उसको आप टिक करके आ जाएंगे या फिर उसको हम क्या कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक अकाउंटिंग और सोशल रिपोर्टिंग तो ये तीनों टर्म्स यूज हो सकती हैं इन प्लेस ऑफ दिस सोशल अकाउंटिंग तो रिमेंबर इट दिस इज इंपॉर्टेंट एंड प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है आई वॉन्ट कि आप वीडियो को लाइक भी करें कितना ही टाइम लगेगा एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और वीडियो को एक लाइक भी दे दें प्लीज ओके चलिए देन फीचर्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग अभी हमने मीनिंग पढ़ा तो उसकी वजह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझ सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू यूज ऑफ सोशल रिसोर्सेज लाइक अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है हम बिजनेस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कुछ ना कुछ इनपुट्स उनके सोसाइटी से भी लेते हैं तो क्या है एक तरह से हम सोशल रिसोर्सेज का भी यूज करते हैं देन इट एम्फेसाइजेज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्म एंड द सोसाइटी येस हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और सोसाइटी है उसके बीच में एक तरह से लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है एक रिलेशनशिप बन जाता है ओके देन इट ऑल्सो डिटरमाइंस दी डिजायरेबिलिटी ऑफ द फॉर्म इन दी सोसाइटी फॉर्म की कितनी डिजायरेबिलिटी है सोसाइटी में वो भी पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सोशल अकाउंटिंग देन इट इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑन सोशल साइंसेज लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे तो हम उसको बोल सकते थे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑन फाइनेंस पैसों के रिलेटेड वाली चीजें आ जाती थी बट यहाँ पे क्या है एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग बट किस पे सोसाइटी के रिलेटेड जो भी इशूज होंगे ओके okay? देन इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द कंपनीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से ये एक्सप्रेस कर देता है एक्सप्रेशन बन जाता है किसका की पता लगता है कि कंपनीज की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है फीचर्स वैसे आप जनरली ऐसे एक बार याद कर लें जस्ट बट आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको पता हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग में डिफरेंस है जो मैंने आपको क्लियर भी करा दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द फाइनेंस और सोशल अकाउंटिंग हो जाएगा जो सोसाइटी रिलेटेड इशूज होंगे ओके देन टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग अब बेनिफिट्स क्या है सोशल अकाउंटिंग करने से क्या होगा इट एक्ट्स एज एन एविडेंस ऑफ द सोशल कमिटमेंट अब क्या है सोशल अकाउंटिंग मैंने आपको बताया इसमें क्या है हम रिकॉर्ड करेंगे जो भी हमारे सोसाइटी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी तो हमने बुक्स में रिकॉर्ड करके रखा होगा नो एग्जाम्पल जैसे किसी ने चैरिटी दी ठीक है चैरिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटी हमने किसी को चैरिटी दी तो हमने उसको भी बुक्स में रिकॉर्ड करा होगा क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमने सोसाइटी के रिलेटेड भी जो ट्रांजेक्शन की होंगी उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे और उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं सोशल अकाउंटिंग तो हमने इसकी एंट्री क्या करी होगी चैरिटी दैट विल बी दी एक्सपेंस फॉर अस तो हम करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट अगर हमने कैश पे पेमेंट करी तो बोल देंगे टू कैश अकाउंट तो ये हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा होगा तो वही कह रहे हैं कि एक तरह से हमारे लिए एविडेंस बन जाती है सोशल अकाउंटिंग किस चीज की सोशल कमिटमेंट की कि अगर कल को फ्यूचर में कोई हमें क्वेश्चन पुट करें आप बोलेंगे कि कहाँ पे आपने एक सोसाइटी की तरफ वेलफेयर दिखाया है अपना बताएं हमें तो हम अपने बुक्स में जो रिकॉर्ड कर रखे होंगे उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम बता सकते हैं कि देखिए हमने यहाँ यहाँ पे इसके रिलेटेड पेमेंट्स करी हैं तो इट एक्ट्स एज एन एविडेंस जिसमें आपको एक तरह से जब आप कहीं पे भी किसी भी ट्रस्ट फंड में कहीं पे भी चैरिटी देंगे तो क्या होगा वहां से आपको आजकल सब कुछ वाउचर बेस्ड तो होता ही है तो वाउचर तो मिला ही होगा तो आप इन फ्यूचर उसको एज एन एविडेंस शो कर सकते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल अकाउंटिंग एविडेंस की तरह काम करता है ओके देन इट ऑल्सो काउंटर्स दी एडवर्स पब्लिसिटी और क्रिटिसिजम मेड बाय दी होस्टाइल मीडिया एंड वॉलंट्री सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो एक तरह से काउंटर अटैक भी करता है वही जैसे हो गया कि एविडेंस मिल गया अब एविडेंस है का को फ्यूचर में मीडिया हमारे पे इल्जाम लगाए कुछ भी कोई भी क्रिटिसाइज करे हमें या हमारी किसी ने गलत पब्लिसिटी एक गलत इमेज बना दी होगी या जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे बाकी जो भी हमें ब्लेम कर रही होंगी तो हम उनके को काउंटर कर सकते हैं बाई शोइंग दी और वो हेल्प करता है हमारा सोशल अकाउंटिंग देन इट एक्ट्स एज अ डिसीजन मेकिंग टूल एज इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ये सोशल अकाउंटिंग एक तरह से हमारे लिए डिसीजन मेकिंग टूल की तरह भी काम करता है क्योंकि वो असिस्ट करता है असिस्ट का मतलब होता है help करना. Help करता है हेल्प हेल्प करना करता मैनेजमेंट की किस चीज में कि वो फॉर्मुलेट कर पाए अप्रोप्रिएट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स उसको पता हो कि हमें सोसाइटी में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर इस जगह पर ऐसी हेल्प देनी चाहिए वहां पर लोगों को ऐसी जरूरत है तो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है हमें कौन सोशल अकाउंटिंग दीज वर दी बेनिफिट्स देन और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम बेनिफिट्स बोल सकते हैं या तो वैसे हम बेनिफिट्स बोलें नीड बोलें इंपॉर्टेंस बोलें एक ही बात है और भी पॉइंट्स हैं कुछ ये सोशल अकाउंटिंग के बेनिफिट्स के सबसे पहला इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द न्यू इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ द बूस्ट इन द कंपनीज इमेज अब येस अगर किसी को पता होगा हमारी इमेज इस तरह से इतनी अच्छी बन गई है सोसाइटी में उनको पता है कि हमारे वेलफेयर के लिए कितना कुछ कर रहा है ये बिजनेस तो अल्टीमेटली क्या होगा वो हमारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा उनको पता है कि ये बिजनेस काम अच्छा कर रहा है तो तो फ्यूचर में भी अच्छा ही ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली और इन्वेस्टर्स आएंगे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ सोशल अकाउंटिंग देन इट सर्व्स द ऑफ प्रोवाइडिंग एन ऑन रिकॉर्ड ऑफ हाउ एन एंटरप्राइज और कंपनी हैज़ डेवलप्ड एंड इट्स सब्सिक्वेंट चेंजेस ओवर टाइम अब ये क्या है एक तरह से एक परपज की तरह भी हमें सर्व करता हेल्प करता है क्योंकि हमें पता होगा कि अभी करंटली बिजनेस का क्या रिकॉर्ड चल रहा है किस तरह से कंपनी डेवलप कर रही है और आगे फर्दर क्या क्या चेंजेस उसमें आने वाली है देन इट ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द फीडबैक ऑन हाउ थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम द रेंज ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन अब सोशल अकाउंटिंग की वजह से हमने बुक्स में सब रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे होंगे और उसके लिए कई सारे लोग भी इन्वॉल्व होंगे एम्प्लॉज होंगे अकाउंटेंट्स होंगे तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल जाएगी कि वो इन सब लोगों से फीडबैक ले पाए कि किस तरह से चीजें चल रही हैं रिलेटेड टू दोसाइटी देन इट हेल्प्स दी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी टू मेक अ क्लियर पिक्चर और आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर

क्लियर चलिए इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मोर कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज अब क्या है सोशल अकाउंटिंग एक तरह से और अट्रैक्ट कर लेता है कि और हमारे बिजनेस में कैपिटल इनफ्लो हो कैपिटल इनफ्लो कब होगा जब और इन्वेस्टर्स आएंगे इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी फॉर्म का कैपिटल भी बढ़ जाएगा तो यही आप इसको फर्स्ट पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं कि उससे हमारी कंपनी की इमेज बढ़ेगी अल्टीमेटली न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे तो इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा कैपिटल इनफ्लो भी ज़्यादा हो जाएगा देन इट हेल्प्स द कंपनी विद पॉजिटिव पब्लिसिटी वही सेम ही हो गया कि इससे क्या होगा कंपनी की पॉजिटिव पब्लिसिटी बन जाएगी अच्छी इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी नाउ कम टू दी सोशल ऑडिट सोशल ऑडिट क्या है अब जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हमने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखा या नहीं रखा तो वो कौन चेक कर रहा था आगे फाइनेंशियल ऑडिट जो मैंने जिसपे आपको लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है तो आप फाइनेंशियल ऑडिट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ रिलेट करके समझ सकते हैं सिमिलरली सोशल ऑडिट को आप सोशल अकाउंटिंग के साथ रिलेट करके देखें अब क्या होगा सोशल ऑडिट में क्या करेंगे पहली बात मैंने आपको ऑडिट का भी मीनिंग बताया होता कि है एक तरह से हम बोल सकते की गई थी या नहीं करी गई थी? करते हैं हम, की. तो अब में क्या होगा? हम ये थॉरली एग्जामिन करेंगे कि क्या जो हमने सोशल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं क्या वो प्रॉपरली मेंटेन करे हैं या नहीं करे हैं सोशल ऑडिट में हम ये देखेंगे कि जो जो कंपनी के कमिटमेंट्स थी टू वर्ड्स सोसाइटी क्या उन्होंने उसको फुलफिल करा या नहीं करा और जैसे फाइनेंशियल ऑडिट में था कि उसको परफॉर्म कौन करता था फाइनेंशियल ऑडिटर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोशल ऑडिट को परफॉर्म करेगा सोशल ऑडिटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सब कुछ फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें देखते थे यहाँ पे हम सोशल ऑडिट में क्या देखेंगे जो भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड चीजें होंगी उस चीज़ की हम इवेल्यूएशन करेंगे तो आई होप एक तरह से आपको थोड़ा बेस तो क्लियर हो गया होगा ना सोशल ऑडिट क्या है तो अब रीड करते हैं एक बार सोशल ऑडिट इज एन ऑफिशियल इवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स आगे वही बात सोशल ऑडिट क्या है ये इवेल्यूएशन है ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट की हम देखते हैं कि जो भी उसकी सोसाइटी के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो भी उनके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स उन्होंने सेट कर रखे थे वो प्रॉपरली उन्होंने करे या नहीं करे उनको हम इवेलुएट करते हैं इट इज एन असेसमेंट ऑफ हाउ वेल द कंपनी इज अचीविंग इट्स गोल्स और बेंच मार्क्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही हुआ सोशल ऑडिट क्या है एक असेसमेंट है वही इवेलुएशन है ये चेक करने की कि कितना अच्छे से कंपनी कर रही है परफॉर्म इन अचीविंग इट्स गोल्स या फिर बेंच मार्क्स जो उन्होंने सेट कर रखे होंगे फॉर दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उन्होंने टारगेट सेट रखे थे कि हम सोसाइटी के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो हम असेस करते हैं सोशल ऑडिट में कि क्या सच में कंपनी ने इतने अच्छे से वो चीज़ करी भी या नहीं करी ओके एंड वन क्वेश्चन फॉर यू एज अ होमवर्क इज आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट टाइम सोशल ऑडिट परफॉर्म करा था इंडिया में वो किस कंपनी ने करा था ठीक है ये बताएंगे उस कंपनी का नाम और किस ईयर में करा था वो भी आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन ये चीज़ आप मुझे देख के पक्का बताना क्लियर चलिए वापस आ जाते हैं इन अदर वर्ड्स सोशल ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज अ मैकेनिज़्म दैट एनहानसेज द ओवरऑल एथिकल परफॉर्मेंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अगर दूसरे वर्ड्स में बात की जाए तो सोशल ऑडिट को हम कह सकते हैं ये कैसा मैकेनिज़्म है जो क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एथिकल परफॉर्मेंस को एनहांस करता है इम्प्रूव करता है कैसे करेगा अब ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि सोशल ऑडिट तो होगा सोशल ऑडिटर आके परफॉर्म तो करेगा इसको तो हमें अच्छा है पहले ही हम कोई उनको डाउट ही ना रहने दें हम सच में भी सोसाइटी की तरफ कुछ ऐसा अच्छा करें जिसकी वजह से जो भी सोशल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा उसमें क्लीन रिपोर्ट दे और अच्छे से बताए कि हाँ बिजनेस ने एक्चुअली में ऐसी चीज करी तो अल्टीमेटली क्या होगा बिजनेस की एथिकल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगी वो भी एथिकल होगा रूल्स को फॉलो करेगा अच्छे से एथिकल बन जाएगा देन कोड ऑफ कंडक्ट काम करने का तरीका भी इंप्रूव होगा एंड फॉर दिस परपज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स सच एज इट्स क्लाइंट्स एम्प्लॉयज कस्टम स्टमर्स क्रेडिटर्स एट्सेट्रा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अब कहा कि सोशल ऑडिट ये तो करेगी एनहांस करेगी बिजनेस की एथिकल परफॉर्मेंस को बट इन चीज को भी अचीव करने के लिए कि बिजनेस भी एथिकली बिहेव करे किसका रोल रहेगा इंपॉर्टेंट जो बिजनेस में काम करने वाले लोग होंगे अब जब बिजनेस के स्टेक होल्डर्स ये क्लाइंट्स हो गए एम्प्लॉयज हो गए कस्टमर्स हो गए अच्छे से कोऑर्डिनेट करके मीन्स वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे भी जब इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी की तरफ तब ही हम बोलेंगे कि बिजनेस एथिकली काम कर रहा है तो अल्टीमेटली बिजनेस की भी भी अच्छी इमेज बन जाएगी इन इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी सब की इन्वॉल्वमेंट रहती है किसमें इन दी अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है चलिए अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 17 इन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है आपने अब क्या है ये नरेगा एक्ट 2005 जिसको हम क्या कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वैसे तो आप इसको फुल फॉर्म को भी याद रखें दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या था जो इस एक्ट की सेक्शन नंबर सेवनटीन थी इसको भी याद रखेंगे जो इस एक्ट की सेक्शन सेवनटीन थी उन्होंने क्या करा मैंडेटरी करा कि जो भी काम करा जाएगा इस स्कीम के अंदर दैट इज नरेगा के अंडर जो भी काम करेंगे उसमें सोशल ऑडिट विल बी मैंडेटरी

होगा देन ग्राम सभा कंडक्ट रेगुलर सोशल ऑडिट्स ग्राम सभा क्या करेगी एक तो मॉनिटर तो करेगी सारे काम जो भी ग्राम पंचायत में हो रहे होंगे और साथ ही साथ वो सोशल ऑडिट को भी रेगुलरली कंडक्ट करवाएगी फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स जो भी इस स्कीम के अंडर आते होंगे और कहाँ पे करना है यही वही बात कि ग्राम पंचायत में करेगी कौन रिस्पॉन्सिबल है ये ऑडिट करवाने के लिए ग्राम सभा क्लियर चलिए देन सोशल ऑडिट हैज़ गेन्ड सिग्निफिकेंस आफ्टर द सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जब सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट आई थी नाउ दिस इज ऑल्सो दी होमवर्क फॉर यू आप मुझे बताएंगे कि सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट किसके रिलेटेड थी मैं नहीं बताऊंगी बस इतना बताऊंगी कि सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट के आने से क्या हुआ सोशल ऑडिट की और भी सिग्निफिकेंस हो गई इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई ओके चलिए देन ये था हमारा अबाउट दी सोशल ऑडिट अब एक बार हम थोड़ी एक एग्जाम्पल भी देखते हैं सोशल ऑडिट है क्या इफ एक्स वाई जेड स्टेशनरी स्टोर मेक्स डोनेशन टू दी लोकल गवर्नमेंट अब एक स्टेशनरी स्टोर है एक्स वाई जेड अगर वो कुछ डोनेशन करता है लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स को ठीक है गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं अब स्टेशनरी वाला स्टोर है तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या डोनेट करेगा बुक्स नोटबुक्स ये सब बाकी जो भी स्टेशनरी आइटम्स होंगी तो एक्स वाई जेड क्लेम करता है मीन उसने बोला कि मैं क्या करूंगा जो भी नीडी स्टूडेंट्स होंगे इस गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको बुक्स प्रोवाइड करूंगा नोटबुक्स दूंगा जो भी बाकी स्टेशनरी आइटम्स दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट अब यहाँ पे सोशल ऑडिट का क्या रोल रहेगा नाउ अ सोशल ऑडिट विल परफॉर्म अ थॉरोवेल्यूएशन अब वो थॉरोवेल्यूएशन अच्छे से एग्जामिनेशन करेगा इस चीज़ की अब क्या करेगा इसी एक्स वाई जेड की बुक्स में देखेगा कि चैरिटी के जो भी रिकॉर्ड्स हैं देखेगा वाउचर बेस्ड रिकॉर्ड्स देखेगा देखेगा वाउचर्स कहाँ कहाँ पे हैं जहाँ पे उन्होंने चैरिटी दी है मीन्स उन स्टूडेंट्स की जहाँ पे हेल्प की है देन वो देखेगा डॉक्यूमेंट्स इसके रिलेटेड भाई वाउचर्स की बात आ गई वॉलंटियर वर्क मीन्स क्या एक्चुअल में जो भी कमिटमेंट्स उन्होंने करी थी वो सच में करी या नहीं करी ताकि वही टू चेक

कि मैंने को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करा और सारे कर तो क्लीन रिपोर्ट हाँ, है इस बिजनेस इंडस्ट्री ने सच में काम अच्छा करा है तो उनकी एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट बन जाती है और सोशल ऑडिट रिपोर्ट को फर्दर क्या करते हैं वही जो इंडस्ट्री होगी जो कंपनी होगी उनकी वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं या वी कैन से अवेलेबल हो जाती हैं ऑनलाइन उन्हीं की वेबसाइट पे जिससे फर्दर होगा क्या जो भी पीपल होंगे सोच रहे होंगे आगे फर्दर इस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए वो अल्टीमेटली क्या होंगे बूस्टअप हो जाएंगे उन, उनको एक तरफ से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये बिजनेस अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए भी तो अल्टीमेटली फ्यूचर में तो ग्रो होगा ही तो बेटर है कि यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर दें तो एक तरह से यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की कि सोशल ऑडिट करता क्या है और अगर सोशल ऑडिट हो भी गया बाद में तो फिर सोशल ऑडिट रिपोर्ट की वजह से देन फ्यूचर में आगे फर्दर क्या होता है यही कि वेबसाइट पर अपलोड होती है वो रिपोर्ट देन उसके बाद जो भी पीपल होते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वो, वो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट भी करते हैं क्लियर है यहाँ तक तो ये भी हो गया सोशल ऑडिट नाउ अब हमने पढ़ लिया अबाउट दिस सोशल अकाउंटिंग एंड सोशल ऑडिट अब अगर आपको कोई डाउट ना रहे इसलिए थोड़े यहाँ पे जो मेजर पॉइंट्स लगे मुझे अबाउट दियर डिफरेंस वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया एक बार पढ़ लेते हैं बेसिस यहाँ पे मैंने लिखे हैं देन सोशल अकाउंटिंग देन सोशल ऑडिट बेसिस की बात की जाए सबसे पहले अगर मीनिंग की बात करें मीनिंग तो वैसे पढ़ लिया सोशल अकाउंटिंग क्या है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्शन ऑन द सोसाइटी वही सेम मीनिंग ये एक तरह से प्रोसेस है जिसमें मेजर करेंगे रिकॉर्ड करेंगे और रिपोर्ट करेंगे बाद में फर्दर की जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्शन रही उन्होंने जो भी काम करा उसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारी सोसाइटी पे ठीक है और सोशल ऑडिट क्या है इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द सोशल अकाउंटिंग प्रोसेस यस सोशल अकाउंटिंग में हमने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे रिलेटेड टू दिस तो अब आगे क्या होगा सोशल ऑडिट ही ये चीज चेक करेगा कि क्या ये सोशल अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं सच में ऐसा कुछ था भी या नहीं मीन्स उसकी एग्जामिनेशन करेगा तो एक और डिफरेंस यहां से निकल आता है कि सोशल ऑडिट तब ही होगा जब हम सोशल अकाउंटिंग को करेंगे तो पहले सोशल अकाउंटिंग होगा तब उसके बाद सोशल ऑडिट होगा देन टाइमिंग की बात करें तो सोशल अकाउंटिंग क्या है इट इज डन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस ये कंटिन्यूस बेसिस पे होता है लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते थे बुक कीपिंग रोज या वी कैन से जर्नलाइजिंग करते थे में बुक्स रिकॉर्ड करते थे जैसे जैसे जिस दिन ट्रांजेक्शन होती थी जिस टाइम पे भी होती थी वैसे ही यहां पे सोशल अकाउंटिंग में जब भी सोसाइटी के लिए कुछ भी करेंगे तो उसकी डेली रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग किस चीज की, की होगी एक तरह से सोशल कॉस्ट की और सोशल बेनिफिट्स की देन अल्टीमेटली नेट बेनिफिट निकल आएगा कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हमारी सोसाइटी की तरफ देन बात की जाए सोशल ऑडिट की तो क्या है ये पीरियॉडिकल प्रोसेस है ये हर टाइम नहीं कर रहे हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद करते हैं और ये सोशल ऑडिट हम कब करते हैं आफ्टर दी प्रिपरेशन ऑफ दी स्टेटमेंट्स वही स्टेटमेंट्स में हमने क्या कर रखा होगा सोशल अकाउंटिंग की चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी होंगी क्योंकि सोशल अकाउंटिंग है यहाँ पे वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग था तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात थी बट यहाँ पे स्टेटमेंट्स किसके रिलेटेड होंगे रिलेटेड टू दी सोसाइटी और जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सोशल अकाउंटिंग देन परफॉर्म बाय अब इसको परफॉर्म कौन करता है एक बार मैं क्लियर कर दूँ अब जो सोशल अकाउंटिंग है इसको परफॉर्म करते हैं अकाउंटेंट्स लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कौन करते थे अकाउंटेंट्स यहाँ पे बात ही क्या आ जाती है ये रिकॉर्डिंग वगैरह की करनी है ना यहाँ पे बुक कीपिंग यह सब हो जाएगा अकाउंटिंग करनी है तो दैट इज डन बाय दी अकाउंटेंट्स बट अगर बात की जाए सोशल ऑडिट की तो इसको कौन परफॉर्म करता है सोशल ऑडिटर्स

दैट इज स्टैंड ऑन ऑडिटिंग तो आई होप आपको क्लियर भी है ये डिफरेंस बिटवीन सोशल अकाउंटिंग एंड सोशल ऑडिट तो ये चैप्टर काफी ईजी था थ्योरेटिकल है थोड़ा बस बेसिक समझने की जरूरत है इसमें बाकी इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं ये चैप्टर बट स्टिल आपको एक बार मीनिंग तो क्लियर होना ही चाहिए था इस चीज का एंड आई ट्राइड कि जो भी मुझे लगे जो इंपॉर्टेंट है हर चीज़ मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की ओके okay, बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्पेसिफिकली इसी लेक्चर की बात नहीं है बाकी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे फ्री होकर पूछ सकते हैं और अब हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और येस कॉम्युनिटेट टैब में भी मैं आजकल हम ट्राइंग की वहाँ पर भी एम डाला करूँ तो वहाँ पर भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं सो लेट्स वाइंड अप एंड प्लीज़ वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी दें और जितना पॉसिबल हो सके आगे उसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें एंड इफ एनी बडीज न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आकन फॉर रेगुलर अपडेट्स सो स्टेट यू फॉर मेक्स्ट वीडियो थैंक यू